नमस्कार दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने कार्तिक मास महात्म के 15वें दिन की कथा, अध्याय 15 में जलंधर का शिवजी का रूप बनाकर पार्वती जी के पास आना। नारद जी बोले, हे राजा प्रथु, शिवजी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिवजी के पास गए। तब शिवजी भागते हुए गणों का कोलाहल सुनकर तथा उनको साथ लेकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आ गए। शिवजी को आते देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा कर मारने लगे। राक्षस गण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रति को देखकर पाप भाग जाते हैं। उधर जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देखकर हजारों वाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ, निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड़गरोमा, प्रचंड, घमसर आदि असुर भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी ने अपनी सेना को वाणों से ढका हुआ देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपनी बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर क्रोध करके फरसा से खड़गरोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बालहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घमसर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। बैल के सींग से मारे हुए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधातुर जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी को ललकारा और उनसे बोला, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुम में कुछ बल है तो वह मुझे दिखाओ। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को बीच में ही काट डाला। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े, छत्र और धनुष काट डाले। यह देखकर जलंधर गदा लेकर दौड़ा। शिवजी ने गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिवजी पर घूंसा तान कर दौड़ा। इस प्रकार उसे आता हुआ देखकर शिवजी ने 1 बाण मारकर उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। तदुपरांत जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधवी माया रची, जिससे गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगे। मृदंग, बंशी, ताल आदि बजने लगे। अब तो इस महानाद को सुनकर महादेव जी मोहित हो गए और उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। वह सब कुछ भूल गए, कुछ भी ज्ञान न रहा। तब जलंधर नृत्य गान में महादेव जी को मोहित देख कामांध हो जहां पार्वती जी थीं, जल्दी से उनके पास चल दिया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिवजी का रूप बनाकर बैल पर बैठकर पार्वती जी के पास गया। तब पार्वती जी ने रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आई। तब उसने सर्वांग सुंदरी पार्वती जी को देखा और वह अपने मन को वश में नहीं रख पाया और वहीं जड़ बन गया। तब गौरी उसे दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छुपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मान सरोवर की ओर चल पड़ी। बिजली की चमक की तरह दीप्तिवान पार्वती को वहां न देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिवजी के पास आ गया। पार्वती जी ने मन ही मन में डरकर विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही विष्णु जी प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री के पतिव्रता होने के कारण ही वह मारा नहीं जा सका है। नारद जी बोले, इतना कहकर विष्णु भगवान जलंधर के पुर को आ गए और उधर रुद्र, गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थिर रहे। जब दैत्य की माया को अंतर ध्यान हुई समझ शिवजी को बोध हुआ, तब महादेव ने क्रोध करके जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य ने
शिव जी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। इति श्री कार्तिक मास महात्म पंचदश अध्याय संपूर्ण।